नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर लगाया आरोप, कहा भारत ने खुद कराया उरी हमला। कश्मीर मुद्दे के हल के लिए भारत उतना गंभीर नहीं जितना पाकिस्तान। सिंधु नदी समझौते पर पाकिस्तान ने भारत को दी चेतावनी, कहा अगर भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा तो माना जाएगा युद्ध। तो वही सिंधु मसले पर विश्व बैंक से मांगी मदद। 93 वर्ष की आयु में इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस का हुआ निधन, दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में थे भर्ती। ओस्लो संधि में अहम भूमिका निभाने के लिए मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। भारत का पाक को एक और झटका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक में होने वाले सार्क सम्मेलन का किया बहिष्कार, बांग्लादेश भूटान और अफगानिस्तान ने भारत का किया समर्थन। चीन ने अड़ंगा नहीं लगाया तो संयुक्त राष्ट्र के आतंकी सूची में शामिल होगा मसूद अजहर, प्रस्ताव पर चीन की 6 महीने की वैधता जल्द होगी खत्म, भारत के प्रस्ताव का 15 देशों ने किया था समर्थन। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा पाकिस्तान अछूत देश बनकर रह जाएगा, भारत के कड़े रुख को लंबे समय तक हल्के में नहीं ले सकता पाकिस्तान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।